करता हूँ। आपका स्वागत है आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। तो जब बात करने वाला हूँ रॉकीज वर्सेस कब्स बेसबॉल मैच के बारे में जो मेजर लीग बेसबॉल का होने वाला है। तो इस बारे में हम बात करेंगे कि आपको अपनी टीम के लिए किस प्लेयर को पिक करना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है। साथ ही साथ में आपको मैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूँ और दोस्तों आपको ये भी बताऊँगा कि किसकी टीम ने कितने मैच खेले हैं, कितने मैच हारे हैं, कितने मैच जीते हैं। इन सभी के बारे में हम इसी वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, क्या पता इस वीडियो में आप GLB विन कर जाएं। बाकी दोस्तों आप इस वीडियो के बाद अच्छा खासा विन तो करेंगे ही करेंगे। तो इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में। तो हम सभी को पता है जो बेसबॉल की ग्रैंड लीग होती है वो 1 लाख या 2 लाख रुपए की आती है। ये क्रिकेट नहीं दोस्तों, जहाँ पर आपको 6 करोड़, 12 करोड़, 20 करोड़, 28 करोड़ की देखने को मिल जाए। क्योंकि दोस्तों बेसबॉल में अभी किसी के पास भी नॉलेज नहीं है और यहाँ पर भी कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है। तो दोस्तों यही हमारे लिए काफ़ी अच्छा खासा मौका होने वाला है, क्योंकि आप चेकआउट कर सकते हैं। आप 25 रुपये की एंट्री है, 1 लाख रुपये की GL होती है, 9,500 रुपये फर्स्ट इनाम है और 11 टीमें आप लगा सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको 6 टीमें प्रोवाइड करवा रहा हूँ टेलीग्राम पर। बस एक बात और बता दूँ आप लोगों को कि जो फाइनल टीम होगी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो लिंक एंड डिस्क्रिप्शन आइए मैं टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। तो दोस्तों मैं आपको 6 टीमें प्रोवाइड करवा रहा था, लेकिन दोस्तों एक मैच में हमारा थोड़ा लॉस हो गया था। तो दोस्तों 10 में से वो एक ही, बाकी 9 में प्रॉफिट हुआ था, एक मैच में लॉस हो गया था। तो उसी के नीचे आके आपने मुझसे कहा कि आप तो लॉस करवा रहे हैं, तो उसके बाद मैंने आपको स्मॉल लीग की टीम प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। और जो मेरी स्मॉल लीग की टीम लगा रहा है वो अच्छा खासा विन भी कर रहा होगा। आप किसी से पूछ सकते हैं, नेगेटिव कमेंट आने बंद हो चुके हैं दोस्तों, क्योंकि सभी प्रॉफिट कर रहे हैं और किसी ने भी कॉन्ग्रेचुलेशन अभी तक नहीं बोला है। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि किस टीम ने कितने मैच खेले हैं, कितने मैच हारे हैं, कितने मैच जीते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा CoR के बारे में। तो CRO यानी कि रॉकीज़ ने 108 मैच प्ले कर लिए हैं, जहाँ पर 61 में लॉस का सामना किया है। तो दोस्तों काफ़ी ख़राब टीम है। मैं तो दोस्तों 50-50 रेशियो होता है उसको ही बढ़िया टीम मानता हूँ। बाकी दोस्तों 50-50 रेशियो कम हो तो एक बेकार टीम आप कह सकते हैं। तो इसीलिए हम इस मैच में रॉकीज़ से यानी कि CoR से काफ़ी कम प्ले उठाने वाले हैं। इस मैच में हो सके तो मैं 4-5 का कमीशन बनाऊंगा या फिर आपको 3 और 6 का कमीशन देखने को मिल सकता है, लेकिन फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो लिंक एंड डिस्क्रिप्शन आइए मास्टर टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। मैं वही बात करूँ CHC यानी कि कब्स के बारे में। तो कब्स ने अभी 109 मैच प्ले कर लिए हैं, जहाँ पर 52 में विन और 57 में लॉस का सामना किया है। तो ये टीम भी कोई अच्छी खासी टीम नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। मैं 50-50 रेशियो पर ही ज़्यादा कवर करता हूँ। तो दोस्तों दोनों ही टीम काफ़ी ख़राब रहने वाली है, लेकिन जो कब्स है वो कुछ ठीक टीम लग रही है मुझे रोगी से। तो इस मैच में मैं 4 और 5 का कॉम्बिनेशन बनाकर प्रेफर करना चाहूंगा अपनी टीम के लिए। तो अब बात करी जाए दोस्तों ड्रीम टीम के बारे में। तो दोस्तों मैं ड्रीम टीम बना चुका हूं, जो इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। और इसमें मैंने 5 और 4 का कॉम्बिनेशन बनाकर रखा है, क्योंकि मुझे CoR से काफ़ी अच्छे खासे प्लेयर मिल चुके हैं जिनके बारे में अभी आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों फाइनल टीम के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो हम इसको ओपन करते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि आपको मेरी टीम के लिए किस प्लेयर ऑफ फील्डर, किस इनफील्डर, किस पिचर और किस कैचर को चूज करना है। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले मैंने उठाया CoR के ब्लैक मोहन को, क्योंकि दोस्तों पिछले मैच में ये काफ़ी फ्लॉप रहे थे और इसमें पिछले मैचों में काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस भी दिखाया है। और मेरा मानना है दोस्तों, आप जो एक बात सुनिएगा मेरी, जो मेरे टीम्स को लगाता है, जो मेरी वीडियोस को देखता है, उन सभी को पता होगा मैं अपनी टीम में थोड़ा रिस्क रखता हूँ। और इस टीम में भी आपको 25% रिस्क देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपका 10% रिस्क भी सक्सेसफुल हो जाता है तो इस टीम से हम विन कर जाएंगे। तो ब्लैक मोन को अपनी टीम में SL GL में ट्राई कर सकते हैं। मैं हेवार्ड के बारे में बात करूं तो पिछले मैच में काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ था, तो 12 पॉइंट कलेक्ट किए थे अपनी टीम के लिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कोई फुटबॉल क्रिकेट नहीं है, जहां पर आपको प्लेयर के 150, 180, 180 नहीं 150, 180, 80, 70, 100 पॉइंट देखने को मिल जाए। यहाँ पर 12 पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 4 पॉइंट भी काफ़ी 80 एवरेज है दोस्तों। दोस्तों हिलगार्ड के बारे में बात करूँ तो पिछले मैच में 15 पॉइंट कलेक्ट किए, उससे पिछले मैच में फ्लॉप थे, उससे अगले पिछले मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। तो ये प्लेयर आपको 50-50 लग रहा होगा, तो आप इन्हें अपनी टीम में एज अ रिस्क लेके चल सकते हैं, वो भी अपनी SL टीम के लिए। आप जेल में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्हें टीम का कैप्टन भी बना सकते हैं। दोस्तों ओर्टेगा, ये दोस्तों एक छुपा रुस्तम प्लेयर है जिन्हें प्ले का मौका नहीं दिया जा रहा था, लेकिन एक मैच में प्ले का मौका दिया गया, जहाँ पर उन्हें 64 पॉइंट कलेक्ट कर लिए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होती है कि प्लेयर को मौका नहीं दिया जा रहा ज़्यादा, और वो प्लेयर काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। देखिए प्ले का मौका नहीं, 0-0 प्ले का मौका नहीं, तो दोस्तों कुछ भी का नहीं कहा जा सकता। और 64 पॉइंट एक साथ कलेक्ट कर लिए, इसीलिए मैं इनको अपनी टीम में वॉइस कैप्टन लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि इस मैच में इनको काफ़ी अच्छे खासी फॉर्म पर खिलाया जाएगा और अब काफ़ी अच्छे खासी नंबर पर बैटिंग भी दी जाएगी। दोस्तों अब बात करूँ इनफील्डरों के बारे में, तो मैंने पे स्टोरी को उठाया, मैक मोहन को उठाया, बोटे को उठाया है। तो दोस्तों स्टोरी के बारे में बात करूँ तो एक मैच में, पिछले मैच में और उससे पिछले मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं ये, आप देख सकते हैं दोस्तों
काफ़ी अच्छा सा परफॉर्मेंस दिखा रहा है ये प्लेयर। आप इनको अपनी टीम में लेकर चल सकते हैं। 32, 21, 28 छः पॉइंट कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं है, लेकिन ड्रीम टीम में है तो आप इनका कुछ सिलेक्टेड परसेंटेज हमारे लिए कुछ बढ़ जाता है और उससे अगले मैच में काफ़ी अच्छा सा परफॉर्मेंस दिखाया है। मैकमोहन के बारे में बात करूं तो देखते दोस्तों फ्लॉप और लेकिन इस प्लेयर में हम इस मैच में सट्टा खेलने वाले हैं। मैं आपको बता चुका हूं इस मैच आपको 25% देखने को मिल जाएगा रिस्क, जिसमें 10% हमारा चल जाता है तो इस टीम से विन कर जाएंगे। तो दोस्तों हमारे दो तीन से ऐसे प्लेयर होने वाले हैं जो मैं अच्छा खासा विन ना दे पाए, तो आप देख सकते हैं 0 पॉइंट है। शायद अगले मैच में इनको काफ़ी अच्छा खासी नंबर पर लाया जाए और ये अच्छा खासा पॉइंट भी हमें दे पाए। पिचर के बारे में बात करूं तो मैंने मार्क्यूज को उठाया दोस्तों, और मार्क्यूज अपनी टीम का कैप्टन भी लेके चल सकते हैं। बाकी दोस्तों स्टैट पर होता है, उसी के स्टैट होते हैं दोस्तों, मैं आपको स्टैट के आधार पर टीम दूंगा, स्टैट निकाल कर ही आपको टीम प्रोवाइड करवाई जाएगी। और कैचर के बारे में बात करूं तो दोस्तों इन्हें भी आप अपनी टीम में एज आप प्लेयर लेके चल सकते हैं। तो दोस्तों अब बात टीम के प्रयोग के बारे में, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैंने 4 आउटफील्डर, 3 इनफील्डर, 1 पिचर, 1 कैचर को उठाया है। तो अब बात कैप्टन और रोज कैप्टन के बारे में, तो मैं अपनी टीम को मार्क्यूज को अपनी टीम में कैप्टन ट्राई किया दोस्तों, क्योंकि पिछले मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। और दोस्तों जो ओर्टेगा है उनका परफॉर्मेंस लाजवाब था पिछले मैच में, जहाँ पर उन्होंने 64 पॉइंट कलेक्ट कर लिए थे अपनी टीम के लिए, इसलिए मैंने अपनी टीम को वोज कैप्टन बना दिया है। बाकी दोस्तों स्टैट पर होता है तो इसको सेव करते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।